मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन पुलिस ने आज एक पत्थर लगाने वाले ठेकेदार की हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में एक पत्थर व्यवसायी भी शामिल है। विगत 14 अक्टूबर से लापता चल रहे कंस्ट्रक्शन ठेकेदार के मर्डर से पर्दा उठाते हुए एक व्यवसायी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार दिखाया है। एसपी सिटी अमित आनंद के अनुसार थाना सिविल लाइन में लाखन सिंह नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जो घरों में पत्थर लगाने का ठेकेदार था। उसके छोटे भाई ने ही पुलिस को सूचना दी थी। उसका भाई 14 अक्टूबर की शाम से लापता है। पीड़ित पक्ष की इस सूचना पर जब पुलिस ने काम किया तो इसमें कांट रोड स्थित सिद्ध बली स्टोन गैलरी के मालिक की भूमिका संदिग्ध लग रही थी। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि लाखन सिंह उसके बिजनेस में जबरदस्ती घुसकर उसे नुकसान पहुंचा रहा था, जिसके चलते उसे रास्ते से हटाया गया है। अपने कर्मचारी साजिद के फोन से लाखन सिंह को बुलवाया गया था और तीनों ने मिलकर उसका मुंह दबा दिया तो वह मर गया। उसकी बॉडी अपनी गाड़ी में रखकर पड़ोसी जनपद हापुर के गढ़ में फेंक दी गई, जहां पर पुलिस ने बॉडी बारिश में बरामद करते हुए उसको पोस्टमार्टम करा दिया था। मुरादाबाद पुलिस ने आज पूरे मामले का पटाक्षेप करते हुए पत्थर व्यवसायी यासांग गोयल, साजिद और ड्राइवर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 15 तारीख को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में लाखन सिंह नामक व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसमें जिन्होंने शिकायत करी उन्होंने बताया कि उनका भाई शाम से गायब है। इसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरू करी। इसमें कुछ संदिग्ध नंबर प्राप्त हुए। इसमें वादी ने भी कुछ व्यक्ति के ऊपर शक जताया था। जितने भी तथ्य थे उनके ऊपर जांच करते हुए 3 व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनके पूछताछ करने पे ये संज्ञान में आया कि इसमें एक व्यक्ति यशांक गोयल, जिसकी सिद्धबली मार्बल्स के नाम से मुरादाबाद में शॉप है, आज से 2-2.5 साल पहले ये दोनों व्यक्ति साथ में काम करते थे। तो इनकी जो पहली साइट थी उसी पे इनके बीच में वाद विवाद हो गया था। ये जिस साइट पे सप्लाई कर रहे थे वहीं पे जो मृतक है लाखन, उसने अलग से उस पर काम ले लिया और इनको साइडलाइन कर दिया। इसके बाद भी जो अन्य जो साइटें चल रही थी वहाँ पर लाखन पहुँच के इनके कामों के बारे में बुराई करता था, जिससे इसे काफ़ी नुकसान होता था और जो इसका बिजनेस था काफ़ी नुकसान की वजह से घाटा हो रहा था। और रिसेंट में ये कई बार इससे मिला था और इसके मन में जो टीस थी इसका ये बदला लेना चाहता था। तो 14 तारीख को इसने एक व्यक्ति जो इसके साथ काम करता है, इसे साजिद पुत्र आबिद, इसके फ़ोन से एक नए सिम से इसको कॉल करके बुलाया कि मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ, वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये कह के इसने बुलाया। फिर ये अपने स्टोर पे बुलाकर अपने ड्राइवर के साथ और इसका नाम शिवम शिवा है और साथ ही साजिद और यशांत, इन तीनों ने इसके साथ मारपीट करी और इसी घटनाक्रम में इसका मुँह दबाया, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो फिर इन्होंने अपनी जो गाड़ी थी क्रेटा, इसमें ले जाकर एक यहाँ से निकले और गढ़ के करीब जाके इसके शव को वहाँ पे फेंक दिया। और इस शव की भी बरामदगी गढ़ थाना में 15 तारीख को हुई थी। जब मुरादाबाद पुलिस ने तहकीकात करी तो ये पूरा घटनाक्रम निकल गया। इसमें तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें गिरफ्तारी कार्रवाई चल रही है। तीनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है? नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। फिर भी इसमें जाँच की जा रही है। अगर अन्य कोई तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार गिरफ्तारी क्यों करेगी।